अहमदाबाद टेस्ट में ड्रॉ के बावजूद विराट कोहली के बनाए 28वें टेस्ट शतक ने बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट को रिकॉर्ड बुक्स में अमिट अक्षरों में दर्ज करा दिया है। मैच में खेली अपनी शानदार 186 रनों की पारी की बदौलत विराट अहमदाबाद टेस्ट में मैन ऑफ द मैच तो बने ही, साथ ही विराट ने इस टेस्ट में करीब 10 रिकॉर्ड भी बना लिए, जिन्हें भुला पाना किसी भी क्रिकेट फैन के लिए आसान नहीं होगा। रिकॉर्ड नंबर 1, 1205 दिन बाद रिकॉर्ड शतक। आखिरी बार विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में शतक 22 नवंबर 2019 को बनाया था, तब बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 136 रनों की पारी खेली थी। यानी अहमदाबाद टेस्ट में विराट कोहली के बल्ले से कुल 1205 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट में कोई शतकीय पारी देखने को मिली। रिकॉर्ड नंबर 2, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2020 से मुकाबले खेले जा रहे हैं, तब से लेकर अब तक भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली अब पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। विराट कोहली के नाम 52 टेस्ट पारियों में 1803 रन हो गए हैं, वहीं 36 पारियों में 1794 रनों के साथ रोहित शर्मा लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। रिकॉर्ड नंबर 3, 6 महीने में विराट का 5वां शतक। विराट कोहली ने टेस्ट शतक लगाने के साथ ही 6 महीनों के अंदर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का कारनामा भी अंजाम दे दिया है। विराट ने 8 सितंबर 2022 को एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ T20 शतक बनाया था, जिसके बाद उन्होंने वनडे में 3 और अब टेस्ट में भी 1 शतक लगा दिया है। रिकॉर्ड नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतक। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में सुनील गावस्कर की अब बराबरी कर ली है। विराट के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 टेस्ट शतक हो चुके हैं, उनसे ज्यादा टेस्ट शतक अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर के ही हैं। आपको बता दें कि सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 टेस्ट शतक बनाए हैं। तीनों फॉर्मेट को मिलाकर विराट के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 16 शतक है। रिकॉर्ड नंबर 5, सचिन सितेज 75वें शतक पर पहुंचे। आपको बता दें कि अहमदाबाद टेस्ट में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर से तेज 75वां शतक बनाकर भी इतिहास रचा, जहां 75 इंटरनेशनल शतक बनाने के लिए सचिन तेंदुलकर ने 566 पारियां खेली थी, वहीं विराट ने अपनी 552वीं इंटरनेशनल पारी में ही ये इतिहास रच डाला। इंटरनेशनल क्रिकेट में 75 शतक पूरा करने के साथ ही विराट ने अब नंबर 1 पोजीशन पर 100 इंटरनेशनल शतकों के साथ मौजूद सचिन के शतकों से अपनी दूरी भी कम कर ली है। रिकॉर्ड नंबर 6, सबसे ज्यादा 150 प्लस को। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स मिलाकर विराट कोहली ने 16 से ज्यादा बार 150 से ज्यादा स्कोर बना लिए हैं। टेस्ट में 11 बार के अलावा विराट कोहली ने वनडे में 5 बार 150 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। यही नहीं, सबसे ज्यादा 150 प्लस के स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में अब विराट दूसरे नंबर पर आ गए हैं। यहां विराट ने वीरेंद्र सहवाग की बराबरी की है। लिस्ट में 25 बार 150 प्लस के स्कोर के साथ सचिन तेंदुलकर पहले नंबर पर हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 186 रनों की पारी टेस्ट क्रिकेट में विराट की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी बेस्ट पारी है। इससे पहले विराट का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर 169 रन का था। रिकॉर्ड नंबर 7, भारत में 14वां टेस्ट शतक। अहमदाबाद टेस्ट में बनाया विराट कोहली का शतक भारत में उनका 14वां टेस्ट शतक रहा। भारत में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट अब चौथे नंबर पर हैं। 15 शतक के साथ राहुल द्रविड़ तीसरे और 16 शतक के साथ सुनील गावस्कर दूसरे नंबर पर हैं। वहीं 22 सेंचुरीज के साथ सचिन लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। रिकॉर्ड नंबर 8, फैब फोर में भी घटाई दूरी। 2012 के बाद क्रिकेट जगत में 4 बैटर्स का नाम सबसे ज्यादा चला है। इनमें विराट कोहली के अलावा ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, इंग्लैंड के जो रूट और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन शामिल हैं, जिन्हें फैब फोर कहा जाता है। फैब फोर की लिस्ट में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक बनाने के मामले में विराट फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं। विराट के अब टेस्ट क्रिकेट में 28 शतक हो चुके हैं, जबकि लिस्ट में पहले नंबर पर स्टीव स्मिथ के 30 शतक हैं, जबकि जो रूट 29 शतक के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। रिकॉर्ड नंबर 9, घर पर 4000 टेस्ट रन पूरे। अहमदाबाद में खेली 186 रनों की पारी के साथ विराट कोहली ने भारत में खेलते हुए 4144 रन पूरे कर लिए हैं। विराट अब भारत में 4000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं। यहां भी लिस्ट में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं। रिकॉर्ड नंबर 10, भारत में सबसे ज्यादा औसत। अहमदाबाद टेस्ट विराट कोहली के टेस्ट करियर का भारत में खेला गया 50वां टेस्ट मैच था। इन 50 मैचों में विराट कोहली की बल्लेबाजी की औसत को देखा जाए तो उन्होंने 60.05 की औसत से 4144 रन बनाए हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर वीरेंद्र सहवाग का औसत है, जो 54.13 का है, जबकि सचिन का औसत 52.67 का है। घर पर खेलते हुए 4000 से ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली का बल्लेबाजी का औसत अब सभी खिलाड़ियों से ज्यादा हो चुका है।